राजा का बेटा राजा नहीं, लोकतंत्र है। एक नेता सुबह से रात तक वही काम करता है और आप कहे कि हमारे घर में तीन तीन प्रधानमंत्री, हमको क्या जरूरत है राजनीति करने की, फिर से चले जाएंगे घूम टहल के आ जाएंगे। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, देश अभी ऐसे नहीं। अभी कहाँ घूम रहे हैं, अभी तो लगातार देश में। अभी तो वो फोटो आप लोगों ने देखा, कितना सुंदर वीडियो था, कितना बढ़िया, वो भारत जोड़ो यात्रा थी। इससे सुंदर क्या है मोदी जी के प्रचार के बाद, 100 किलोमीटर चलने के बाद कोई व्यक्ति एक हफ्ते के लिए चला जाए, क्या बुराई है? सुनो सुनो, कौन नेता, क्या जॉर्ज बुश छुट्टी नहीं मनाते, क्या क्लिंटन छुट्टी नहीं मनाते, ओबामा छुट्टी नहीं मनाते? मुकाबला तो मोदी से ना, अटल जी शिमला जाते थे। विनोद जी मुकाबला तो मोदी से है ना, मुकाबला तो अमित शाह से। मुकाबला भी तो मोदी भी तो जिम कार्बेट में फोटोग्राफी कर रहे थे जब पुलवामा हुआ है, नहीं कर रहे थे क्या? वो छुट्टी क्या मना रहे थे? छुट्टी थी, रिलैक्स था, रिलैक्स था ना, छुट्टी कहने के, छुट्टी कह के नरेंद्र मोदी छुट्टी नहीं मनाते। नरेंद्र मोदी जब से गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तब से आज तक मुझे एक एक पिक्चर, एक वाक्य बता दीजिए जहां उन्होंने छुट्टी मनाया हो। तो प्रॉब्लम तो इनकी ये है कि ये तो इनका कॉम्पिटिशन तो ये है इंसान जो छुट्टी नहीं मनाता। प्रॉब्लम किलोमीटर चलने के बाद अगर एक हफ्ते के लिए कोई व्यक्ति चला गया उसमें आपत्ति होगी पूरे देश को? ये क्या मतलब है भाई जी, फिर से थोड़ा ठीक कर दूं, लगता है मेरी बात दूसरी तरफ चली गई, विनोद जी नाराज हो गए। नहीं नाराज नहीं, और विनोद जी नाराज नहीं, इसको बताता हूं, जरूरी है। नहीं जरूरी है सर, अरे हम आपसे सीखते हैं। मैंने फिर दोहराया, मैंने वो तो जोड़ दिया, और प्रियंका की बात से मैं सहमत हूं, मैंने जोड़ दिया। अरे भाई मैं तो आपको वाक्य बता रहा हूँ ना कि हवाई अड्डे पे उतरी, राहुल गांधी ने कहा प्रियंका को यहीं छोड़ के जा रहा हूं अगले विधानसभा। 19 वाला लोकसभा बीत गया, 22 वाली विधानसभा बीत गई, कहां प्रियंका? और उसके बाद भी आप कह रहे हैं वो सीरियस पॉलिटिशियन है, तो ना राहुल की बात का मतलब ना प्रियंका के। और क्या होता है राज्य, हिमाचल प्रदेश तो प्रियंका थी ना, हिमाचल तो संभाली हुई थी, हिमाचल तो जिताया है, तो प्रियंका क्रेडिट क्यों नहीं दिया पार्टी ने? बिल्कुल नहीं, आप नहीं है ना, ये तो आपको देना है, आप नहीं मान रहे। मैं तो कह रहा हूं आप नहीं मान रहे करके खराब। मैं फिर कह रहा हूं, अरे भाई मीडिया को देना चाहिए, प्रियंका जी का वहां रिसोर्ट बन रहा है, अच्छा है, उस राज्य में सरकार बने अच्छा है, वहां वो थी लंबे समय तक, लेकिन नेता के तौर पर तो वो प्रभारी महासचिव यूपी की थी ना। अभी भी नहीं जा रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम उनको मान लेते, हम मान लेते हैं भाई, गांधी परिवार से बड़ा नेता कोई। अच्छा आपके हिसाब से आप, क्योंकि सबसे बड़े क्रिटिक है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के, विपक्ष के क्रिटिक है। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का क्रिटिक हूँ, कांग्रेस पार्टी ही इस देश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन सकती है, और उसे इसके क्या चाहते हो जान लेंगे। उसे क्षेत्रीय दलों की बैसाखी से बाहर निकलना पड़ेगा, इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई शरद पवार जो उसी का हिस्सा खा के बड़ा नेता बन गया, कोई नीतीश कुमार, कोई ममता बनर्जी, कोई केजरीवाल, कोई अखिलेश यादव, कोई केसीआर, कोई जगन मोहन रेड्डी, कोई भी आकर उनको मजबूत करेगा। डीएमके रखने देगा क्या पाओ तमिलनाडु में? हैसियत नहीं बनाने देगा उनको। मैं कह रहा हूं पहले कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि वो करना क्या चाहती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।